दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर की जयंती के अवसर पर आज नई मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय में पत्रकार दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मनपा के उपायुक्त दादा साहब चाबूकसवार, अनंता जाधव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र कोंडे खास तौर पर मौजूद थे। यहाँ कई वरिष्ठ पत्रकारों ने संवाद के दौरान प्रेस कक्ष में सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया और मनपा पत्रकार संगठन की एडहॉक कमेटी बनाने पर भी जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। पत्रकार दिवस के अवसर पर आज नई मुंबई मनपा मुख्यालय में दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर को याद किया गया। प्रेस कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में मनपा उपायुक्त दादा साहब चाबूकसवार, उपायुक्त अनंत जाधव एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र कोंडे ने पत्रकारों से संवाद साधा। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार विश्वरथ नायर, नीलेश पाटिल, विनय मात्रे, विनायक पाटिल, सुधीर शर्मा और बालाधार कुंडे समेत कई पत्रकारों ने प्रेस कक्ष में सुविधाओं के अभाव के साथ ही मनपा पत्रकार संघ की एडहॉक कमेटी बनाने पर जोर दिया। इसके जवाब में उपायुक्त दादा साहब चाबूकसवार ने पत्रकार दिवस की शुभेच्छा देते हुए प्रेस कक्ष की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज के दिन में नई मुंबई महापालिका की ओर से ये पत्रकार कक्ष में सब अभी सीनियर जूनियर पत्रकार भाई आज यहाँ मौजूद है, तो पहले तो मैं आज पत्रकार दिन ये दिन के अवसर पर सभी को नई मुंबई महानगर पालिका की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे कि महेंद्र कोंडे जी हमारे जनसंपर्क अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि 1832 में दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर जी ने ये दर्पण शुरू किया और इसका ये अर्थ था कि जबकि मराठी भाषा में जो ब्रिटिश राजवट जो थे उनको ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये दोनों का दुआ जो था वो ये बाल शास्त्री जांभेकर जी इन्होंने ये दर्पण के माध्यम से उसी टाइम में निकाला था। और आज भी जनसंपर्क जो डिपार्टमेंट है वो प्रशासन और पत्रकार इनका एक दुआ है। और आज मेरे सब पत्रकार भाइयों ने जो भी कोई उनकी समस्या छोटी मोटी जो बताई, तो मैंने ये बताया कि हमारे आदरणीय आयुक्त अभिजीत जी बांगर सर और हमारे जो इनसे रिलेटेड जो ऑफिसर्स है, तो इनसे इसके बारे में आज ही उनसे चर्चा डिस्कस करके जो भी छोटी मोटी समस्या है उनके ऊपर जल्दी से जल्दी अपन एक जो सुझाव है, मार्ग है, वो निकलने की हम प्रशासन की ओर से पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे। और फिर से आज के दिन का याद रखते हुए सभी पत्रकार बंधु भगिनी इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।